हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल निशास कुकिंग एंड ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए लेकर आ गई हूँ अपनी अम्मी की फेवरेट रेसिपी। लेकिन मैंने सोचा जब बना ही रही हूँ उनके लिए, तो क्यों ना अपने व्यूअर्स को क्यों ना उनके साथ शेयर करूँ। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ टमाटर और प्याज की अनोखी सब्जी, या बोले तो टमाटर और प्याज की अनोखी चटनी, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, अंत तक बने रहे मेरी वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ आप सभी के लिए अम्मी की बहुत ही खास रेसिपी, जो उन्हें बहुत ही पसंद है। और जब वो कोई भी सब्जी खाना पसंद नहीं करती ना, तो मैं हमेशा उनके लिए यही वाली बनाती हूँ, चटनी टमाटर और प्याज के साथ। तो जिसके लिए सबसे पहले मैंने पैन में डाल दिया है लगभग 2 टेबलस्पून सरसों का तेल। इसे सबसे पहले हमें गर्म कर लेना है। तो यहाँ हमारा जो तेल है सरसों का, वो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें लगभग 2 बड़े साइज की रफली चॉप्ड हुई प्याज डाल देती हूँ। अब हमें प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज करना है, इसे ओवर फ्राई नहीं करना, तो थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इसे ट्राई करना है हमें। तो चलिए, जो हमारी प्याज है वो फ्राई हो चुकी है, मैंने प्याज को हल्के ही फ्राई किया। मैंने बड़े साइज के टमाटर ले लिए, जिन्हें रफली चॉप कर लिया, तो इन्हें मैं डाल लेती हूँ। 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च इसमें डाल देती हूँ। तो चलिए, अब मैं इसमें डालती हूँ स्पाइसेस। तो चलिए, मैं इसमें डाल देती हूँ 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, और नमक आपको अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट करना। अब मैं इसमें डालती हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और इन सारे स्पाइसेस को डालने के बाद एक बार करना है मिक्स, और बिना पानी को डाले इसे कुक करना है। मीडियम फ्लेम रखनी है गैस की, या आप सब्जी भी बोल सकते हैं इसे, प्याज और टमाटर की ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ क्रश करके थोड़ा सा सूखा हुआ पुदीना, ये मेरी अम्मी इसे ड्राई करके रख लेती हैं, और इसका गर्मियों में बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर रहता है। गर्मियों में पुदीना बड़ा ही पसंद आता है हर सब्जी में। अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी धनिया पत्ती, और इन सभी को मिक्स करके करती हूँ सर्व। तो ये मेरी ये चटनी या सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो चलिए सर्विंग करती हूँ इसी की। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मी के लिए ये टमाटर और प्याज की चटनी, या बोलें कि सब्जी, बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, जो देखने में समर्स के लिए बहुत ही लाइट फूड भी है और लंच के लिए बहुत ही मज़ेदार है। मेरी अम्मी को तो बिल्कुल फेवरेट है। अगर आप सभी को भी रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज़ ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। हो सकता है कि आप सभी की भी बिल्कुल फेवरेट बन जाएगी। आप पाव के साथ, पराठों के साथ, या पूरी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। उम्मीद करती हूँ अपने व्यूअर्स से कि आप सभी को मेरी आज की रेसिपी पसंद आए। अगर पसंद आए तो जो मेरे चैनल पे नए हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।